नमस्कार, मैं प्रीति मिश्रा आपका ऑनलाइन नेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रंजन गोगोई पर बिफरे कांग्रेसी भूल रहे हैं कि ये मोदी है जो कांग्रेसी खानदान के लोगों को भी आदर देता है। कांग्रेसी तो मानसिकता से ही घटिया है। रंजन गोगोई पूर्व जस्टिस को राज्यसभा में नामित करने पर कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, यशवंत सिन्हा, पूर्व जज कुरियन जोसेफ और लुटियन के अनेक पत्रकार ऐसे दहाड़ मार रहे हैं जैसे इनका सब कुछ लुट गया हो। और गोगोई के सरकार के पक्ष में फैसले करना, जी हाँ, वही फैसला जो रंजन गोगोई ने राम मंदिर के पक्ष में दिया था, वो इसकी वजह मान रहे हैं। इसमें आपको कुछ प्रमुख बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। चलिए अब आपको पूरी खबर बताती हूँ। रंजन गोगोई को राम मंदिर के पक्ष में फैसले देने का ये कोई इनाम नहीं है, बल्कि अगर ये कोई इनाम कहा जा सकता है तो वो है 70 साल से कांग्रेस द्वारा अटकाए, लटकाए और भटकाए गए मसले पर फैसला करने का इनाम कहा जा सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जो एक कांग्रेसी परिवार के सदस्य को भी इस तरह राजनीति में आगे लाकर राज्यसभा में भेजने का जिगरा रखते हैं। और ये नरेंद्र मोदी ही हैं जो एक जीवन भर कांग्रेसी रहे और भाजपा के दुर्विरोधी प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न देने का फैसला कर सकता है। कांग्रेस तो इतनी घटिया थी कि उसने अटल जी जैसे व्यक्ति को भी भारत रत्न नहीं दिया। रंजन गोगोई ने कहा कि उन्हें राज्यसभा में बैठकर न्यायपालिका और विधायिका के बीच संवाद स्थापित करने का मौका मिलेगा, तो मगर न्यायपालिका के लिए कुछ कड़वे तथ्य भी सुनने को मिल सकते हैं जो अभी तक सांसद नहीं कहते। राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 3 दिग्गज वकील बैठे हैं, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम और अभिषेक मनु संघवी। अब इन तीनों को डर है कि इन्हें खुलकर जवाब देने वाला सामने बैठा होगा, क्योंकि उनकी अदालत में की गई नाफरमानियों से वो रग रग से वाकिफ हैं और पोल खुलने का डर रहेगा। कांग्रेस न्यायपालिका के साथ अपनी मनमर्जी करती रही है इंदिरा गांधी के समय से ही, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें भी कोई उनकी भाषा में जवाब देने वाला नरेंद्र मोदी उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अब क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ, इंदिरा गांधी की घटिया नीति कभी नहीं लाएगा नरेंद्र मोदी, कमिटेड जुडिशरी कांग्रेस को याद होगा ये सिद्धांत। जब रंजन गोगोई कुरियन जोसेफ समेत 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था तब दीपक मिश्रा के खिलाफ, तब वो ठीक था, लेकिन आज उसमें विष नजर आने लगा। ये जोसेफ निर्भया के अपराधियों को फांसी न देने की वकालत कर रहा था। गोगोई के राज्यसभा में जाने पर कांग्रेस के नेता बहुत कुछ कह रहे हैं, जिसके लिए उनके कपड़े उतारना जरूरी है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि लोगों को कुछ याद नहीं है। पर कांग्रेसी बस इतना समझने कि मोदी ने क्या गोटी बिछाई है वो तुम समझ नहीं सकते। चलिए अब आपको बताते हैं राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के इंटरव्यू के बारे में। राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने दावा किया है कि एक लॉबी के चलते न्यायिक स्वतंत्रता पर खतरा है। उन्होंने कहा कि आधा दर्जन लोग ऐसे हैं जो जजमेंट उनके पक्ष में ना आने पर जजों की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि इसके ऊपर बैठे आधा दर्जन लोगों के शिकंजे को खत्म करना। जब तक यह शिकंजा खत्म नहीं होगा तब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। वे जजों को फिरौती देने के लिए पकड़ते हैं, अगर कोई फैसला उनके मन मुताबिक नहीं आता तो वह जज की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। मैं यथास्थितिवादी न्यायाधीशों के लिए डरता हूँ जो उनका सामना नहीं करना चाहते और जो शांति से सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। गोगोई ने उस आलोचना को भी खारिज कर दिया जिसमें विभिन्न नेता कह रहे थे कि उन्हें राज्यसभा सदस्यता फैसलों की वजह से मिली है। उन्होंने कहा कि मेरी निंदा इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने लॉबी को खारिज कर दिया। अगर एक जज अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार मामले का फैसला नहीं करता तो वह अपनी सफत के साथ न्याय नहीं कर रहा है। अगर कोई जज फैसला इस आधार पर करेगा कि आधा दर्जन लोग क्या कहेंगे तो वह सफत के साथ अन्याय कर रहा है।
मेरी अंतरात्मा ने मुझे जिस ओर दिशा दी मैंने वह फैसला किया। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं एक न्यायाधीश के रूप में उचित नहीं हूं। साल 2018 की प्रेस वार्ता का जिक्र करते हुए गोगोई ने कहा, जब मैंने जनवरी 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं लॉबी का प्रिय था, लेकिन वे चाहते हैं कि जब जज एक निश्चित रूप से केस तय करें और उसके बाद ही वे उन्हें स्वतंत्र जज के रूप में प्रमाणित करेंगे। मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि अदालत के बाहर कुछ अपेक्षा है। मुझे जो सही लगा मैंने किया, अन्यथा मैं एक जज के तौर पर सही काम नहीं कर रहा हूँ। पूर्व CGI गोगोई ने कहा कि दूसरों की राय यानी अपनी पत्नी की राय को छोड़कर वो ना कभी किसी से डरे, न डरते हैं और ना ही डरेंगे। मेरे बारे में लोगों की क्या राय है यह मेरी नहीं बल्कि उनकी समस्या है और इसे उन्हें ही हल करना होगा। अयोध्या फैसले पर गोगोई ने कहा, यह 5 न्यायाधीशों की बेंच का सर्वसम्मत निर्णय था। राफेल भी 3 जजों की बेंच का निर्णय था। क्या वे सभी न्यायाधीशों की निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं? उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों ने लॉबी द्वारा अपशब्दों के प्रयोग के कारण चुप रहना पसंद किया। पूर्व CGI ने कहा कि मैं आज चुप नहीं रहूंगा। राज्यसभा सांसद के लिए नामित होने पर उपजे विवाद और विरोध पर गोगोई ने कहा कि यदि कोई पूर्व CGI पूर्व किट चाहता है तो वह बड़े लाभ और सुविधाओं के साथ बड़े आकर्षक पदों की तलाश कर सकता है, न कि राज्यसभा का नामांकन। मैंने फैसला किया कि अगर नियम अनुमति देता है तो मैं राज्यसभा से वेतन और भत्ते नहीं लूंगा और छोटे शहरों में लॉ कॉलेजों के पुस्तकालयों को रेनोवेट करने के लिए दे दूंगा। 2G मामले में यह लॉबी चुप क्यों थी? सीलबंद रिपोर्ट मंगाए जाने के मुद्दे पर गोगोई ने कहा कि क्या हमें राफेल जेट से जुड़े हथियारों से संबंधित संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए थी? पाकिस्तान दिल खोलकर हंसता और कहता है कि उसने सर्वोच्च न्यायालय के जरिए भारत को पीछे छोड़ दिया। और क्या राफेल सौदा मूल्य निर्धारण के बारे में समान स्तर की पारदर्शिता की मांग के लिए एक साधारण सड़क निर्माण याचिका की जांच थी? जब सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम के अनियमित आवंटन से संबंधित मामले को सीलबंद कवर रिपोर्ट के जरिए निपटाया था तो यही लॉबी चुप क्यों थी? जब शाहीनबाग विरोध पर सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद कवर रिपोर्ट दी गई तो वे चुप क्यों हैं? इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा नामांकन के रूप में अपने नामांकन पर गोगोई ने कहा कि यह प्रस्ताव 1 सप्ताह पहले एक व्यक्ति द्वारा आया था जो न्यायपालिका या सरकार से जुड़ा नहीं है। क्या एक पूर्व CGI जिसने संवैधानिक न्यायाधीश के रूप में अपने 20 साल बिताए हैं, वह संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के लिए नामांकित होने के लिए उपयुक्त नहीं है, जहां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर चुनाव करता है? किस तरह से सेवानिवृत्त न्यायाधीश नामांकन स्वीकार करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता समझौता करता है? पूर्व CGI से जब पूर्व सहयोगियों जस्टिस चमलेश्वर, जस्टिस मदिन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ द्वारा उनकी आलोचना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब मैं एक सिटिंग जज था तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, असंतोषजनक ढंग से एक जज के रूप में मेरी भूमिका पूरी की। मैं राज्यसभा के लिए नामांकन स्वीकार करता हूँ तो न्यायिक स्वतंत्रता के से समझौता करने का सवाल ही कहाँ है? आपसे अनुरोध है कि देशभक्त में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें अपनी राय जरूर दें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।